नमस्कार, मैं हूं मैत्री और आप देख रहे हैं टीवी 9 बिहार झारखंड। पटना में लोजपा के स्थापना दिवस समारोह में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस को बड़ा झटका देते हुए सांसद वीणा देवी को अपने खेमे में शामिल कर लिया है। वीणा देवी अभी तक पारस गुट में शामिल थी, लेकिन अब वो चिराग पासवान के साथ हो गई है। वीणा देवी को अपने खेमे में शामिल कर चिराग पासवान ने चाचा पारस को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। हम पार्टी के ना लोक जनशक्ति पार्टी के हम सांसद हैं, इनके साथ शुरू से हैं। अभी पशुपति पारस की नहीं, देखिए उस समय हम समझ नहीं पाए थे जो हो क्या रहा है। उनके चाचा उनके हमारे पार्टी के सारे लोग थे, तो उसमें हम समझ नहीं पाए, इसी से हम सिग्नेचर कर दिए थे। जब बाद में मुझे पता चला तो हम पुनः वापस हो गए। हाँ, मेरे साथ छलावा, समय काफी ज्यादा लग गया। नहीं नहीं, आपको जितना भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम है दिल्ली में करते हैं, चाहे जहाँ भी बुलाते हैं, मैं रहती हूँ, साथ रहती हूँ। मैं किसी से बात नहीं की हूँ, कोई कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे। नहीं नहीं, मेरी कोई, हाँ हाँ, चुनाव लड़ेंगे वैशाली से। वैशाली के उम्मीदवार सांसद मैं ही हूँ, दूसरा थोड़ा कोई है, लड़ूंगी चुनाव। दरअसल चिराग पासवान ने मंगलवार को पटना के बापू सभागार में लोजपा स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम चल ही रहा था, अचानक सांसद वीणा देवी वहां पहुंच गई। वीणा देवी को देखकर एक बार तो वहां मौजूद सभी नेता हैरान हो गए। वीणा देवी बिहार की वैशाली लोकसभा सीट से सांसद हैं। पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच हाजीपुर सीट को लेकर खींचतान चल रही है। पारस का कहना है कि वो किसी भी सूरत पर हाजीपुर सीट नहीं छोड़ेंगे। दूसरी ओर चिराग पिता की सीट से मां को मैदान में उतारने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। पशुपति पारस से पहले रामविलास पासवान की ये सबसे पसंदीदा सीट थी। उनके निधन के बाद पशुपति पारस यहाँ से सांसद बन गए हैं। अब चिराग पासवान को वैशाली की सांसद वीणा देवी का साथ मिलना पारस के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाजीपुर और वैशाली की लोकसभा सीट एक तरह से पड़ोसी सीट है। स्थापना दिवस कार्यक्रम में चिराग पासवान ने कहा कि जो भी स्वर्गीय रामविलास पासवान के सिद्धांत में विश्वास रखता है वो अंत में उनके साथ आएगा। उन्होंने दावा किया कि अंत में सभी सांसद एक एक करके उनके पास आएंगे। आपको बता दें कि हाजीपुर सीट को लेकर चिराग पासवान पहले से ही ऐलान कर चुके हैं कि यहां से उनकी मां रीना पासवान मैदान में उतरेंगी। दूसरी ओर पशुपति पारस एक बार नहीं बल्कि कई बार ये कह चुके हैं कि हाजीपुर सीट किसी को देने का सवाल ही नहीं उठता। कुछ हफ्ते पहले पारस ने कहा था कि उनके गुट के सभी 5 सांसद अपनी मौजूदा सीट से ही मैदान में उतरेंगे। अब उसमें से एक सांसद ने पाला बदल लिया है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि पशुपति पारस अगला कदम क्या उठाते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ।